हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्री एडियो हब। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है क्रॉप बायोडाइवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, आपको सीधा याद रखना है कि कौन सी क्रॉप कहाँ से ओरिजिन हुई है। ठीक है, तो हम इसके ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, सेंटर ऑफ ओरिजिन वर फर्स्ट गिवन बाई, इसका आंसर है आपका वेविलोव। ठीक है, वेविलोव का नाम आपको याद रखना है। ये कब दिया था? ये दिया था 1951 में। ठीक है, डेट भी आप याद रख लीजिए, पूछा नहीं है उन्होंने। पर सेंटर ऑफ ओरिजिन होता क्या है? देखो, जहाँ तक कि कोई भी क्रॉप ओरिजिन होती है आपकी, मतलब सबसे पहले यह क्रॉप यहाँ पे देखी गई थी, वहाँ से इस क्रॉप का ओरिजिन हुआ, वही आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है। देन सेकंड क्वेश्चन, द टर्म माइक्रो सेंटर वॉज कॉइन्ड बाई। अब समझिए माइक्रो सेंटर क्या होता है। देखो, एक हमारे पास, हम देखते हैं क्या सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ है क्रॉप में, सबसे ज़्यादा वेरायटी कहाँ है क्रॉप में, सबसे ज़्यादा वेरिएशंस कहाँ पे प्रेजेंट है क्रॉप में, तो वो आपकी डाइवर्सिटी हो गई। तो एक कोई सा एक एरिया होता है, जैसे हमारा प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन में हम पढ़ते हैं, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है, तो उसको हम सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं, प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी होता है, उन दोनों में डिफरेंस भी होता है। देखो, प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है, जहाँ पे कि वो ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन होम है उनका, कि यहाँ से ये क्रॉप हमको मिला है, लेकिन वहाँ पे कल्टीवेट नहीं करते हम उसको। जैसे कि कोई माउंटेन है, कोई हिल है, कोई रिवर की वैली, फॉरेस्ट वगैरह है, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया जाता उसका, वो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, समझ रहे हैं, वो उसका ओरिजिनल होम भी है। सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, कि वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, लेकिन वहाँ पे हम कल्टीवेट करते हैं। तो यही डिफरेंस है प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में, कि कल्टीवेट करते हैं और सेकेंडरी में फर्स्ट प्राइमरी में कल्टीवेट नहीं करते हैं। चलो, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि माइक्रो सेंटर क्या होता है। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होता है, मान लो एक 5 किलोमीटर का एरिया है, फिर 50 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर भी एक 1 किलोमीटर का निश्चित या 100 मीटर का इतना एरिया है जहाँ पे भी, मतलब माइक्रो मतलब छोटा एरिया, पक्की बात है कि छोटा सेंटर है वो, माइक्रो मतलब छोटा, तो एक छोटा एरिया जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं माइक्रो सेंटर। और ये टर्म किसने दी थी? ये इसका आंसर हमारा हो गया, हरलैंड ने दी थी ये टर्म। ठीक है, और कब दी थी? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, वो है 1948 में दी थी। देन द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल वेरिएशन वाज डेवलप्ड बाय, अब इसका आंसर आप पहले याद रख लीजिए, वेवी लॉ है। ठीक है, और क्या होता क्या ही है, क्या होता है कि अगर हमारे पास एक क्रॉप है, उस क्रॉप में अगर कोई पार्टिकुलर वेरिएशन हमको प्रेजेंट दिख रहा है, कि हाँ इस क्रॉप में, जैसे वीट में यहाँ पे ऑन है, इस क्रॉप में लॉन्ग ऑन है, ठीक है, तो उससे जो भी रिलेटेड स्पीशीज है आपकी, उसमें भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वही वेरिएशन आए। तो पैरेलल मतलब क्या होता है कि साथ साथ चलती है उसके, तो इसमें वेरिएशन है तो इसमें भी आपको वेरिएशन दिखेगा। ठीक है, तो इसको, इस लो को एक और नाम है, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन भी। ठीक है, याद रखना किसने दिया था ये क्वेश्चन, पूछा जा सकता है, ये दिया था आपका वेविलोव ने। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू। देखो, अभी हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेरिएशन प्रेजेंट होता है उसी को हमने बायोडाइवर्सिटी बोला है। अब देखो, ये जो वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है, ये हमारी किस में होती है, या तो ये स्पीशीज़ में होती है, सिंगल स्पीशीज़ के अंदर जितनी वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है वो भी बायोडाइवर्सिटी है, दूसरी स्पीशीज़ और इनमें जो प्रेजेंट है डिफरेंस वो भी बायोडाइवर्सिटी है, इनके अगर हम जीन्स की बात करें तो जीन्स में जो वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है वो भी बायोडाइवर्सिटी है, समझ रहे हो, इनकी इकोसिस्टम, जो इनका आसपास का इकोसिस्टम है उसके अगर हम बात करें तो वो भी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, मतलब हर चीज़ में हमको डिफरेंस मिलेगा। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑल ऑफ दिस। अब देखो क्या होता है, एक एक टर्म को हम देख लेते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, मतलब जितना भी जेनेटिक वेरिएशन है, जेनेटिक मतलब जीन्स में वेरिएशन एक पूरी स्पीशीज़ में, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि उनके जीन या फिर उनके जीनोटाइप में जितना भी वेरिएशन प्रेजेंट होता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होता है, देखो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होता है कि एक स्पीशीज़ है हमारे पास, एक मतलब जैसे कि मान लो जबलपुर एरिया में एक स्पीशीज़ है आपके पास वीट की, तो उसमें जितना डिफरेंस होगा वो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होगा। ठीक है, जितना भी वेरिएशन उसमें प्रेजेंट होगा। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, जो भी इकोसिस्टम आप समझ रहे हो, जैसे वो क्रॉप है उसके आसपास का जो भी इकोलॉजी है उसकी, वो हो गया आपका इकोसिस्टम। तो उसमें जो भी वेरिएशन प्रेजेंट हो रहा है एक कंट्री में पूरे में, कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है ज़्यादा है, तो इस तरीके के वेरिएशन को इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी में इन सबको कवर कर लेती है। ठीक है, देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कन्वेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी कन्वेक्शन, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में। चलो इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, ये जो कन्वेक्शन है इसको हम बायोडाइवर्सिटी कन्वेक्शन बोलते हैं, पहली चीज़ याद रखो, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट,
ये एक नियम है, जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब इसमें कितनी कंट्री थी, इसमें थी 189 कंट्रीज, ठीक है, 189 कंट्रीज थी इसमें, उन्होंने साइन किया था एक कन्वेक्शन, मतलब एक रूल साइन किया था, और कहाँ पे किया था, ये किया था रियो डी जेनेरियो में, और कब किया था, 1992 में, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया 1992। अब क्या होता क्या, इस कन्वेक्शन में हुआ क्या था, इसमें साइन किया था 189 कंपनी ने और सॉरी कंट्रीज ने, और उनके कुछ एम्स थे, उनके कुछ गोल थे, वो क्या था कि हमारी जो बायोडायवर्सिटी है हमको उसको पहले हमको कंजर्व करना है। तो पहला रूल था कि हाँ जो भी कंजर्वेशन है, तो पहली बात हो गई उसमें कंजर्वेशन की बात करते हैं वो, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं इस कन्वेक्शन में, जो दूसरी बात हुई थी वो सस्टेनेबल यूज़ किया था, जितने भी कंपोनेंट है आपके बायोडायवर्सिटी के, जो भी फॉरेस्ट वगैरह में जितनी भी ग्रोथ है उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है हमको, कि फ्यूचर में भी वो हमको यूज़ हो पाए, खत्म ना हो अभी, ठीक है। और जो तीसरा उसका ये था कि जितना भी उसमें शेयर आपका, जो भी बेनिफिट रहेगा आपको, जितना भी फायदा होगा उसका, जो शेयर होगा ये फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर कंट्री में, ठीक है। जो भी जेनेटिक रिसोर्स मिल रहा है आपका उसका फेयर शेयरिंग होगी, ठीक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये एक तरीके से एक ट्रीटी थी, ये ट्रीटी साइन करती 189 कंट्री ने साइन किया था, आया समझ में। तो ये हुआ था आपका 1992 में, और ये फोर्स में कब आ गया था, आ गया था 1993 में, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ वीट, इसमें है नियर ईस्ट, मेक्सिको, रशिया, चाइना। अब देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इसमें हम बहुत बार मैक्सिमम टाइम क्या भूल जाते हैं कि इनको याद कैसे रखना है, तो आप इसके लिए कुछ ट्रिक्स बना लीजिए, जैसे कि आप ऐसे बना सकते हैं एरो, और यहाँ पे लिख सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब देखो वीट का पूछा हुआ है, तो हम दिमाग में एक इमेजिन बना लेंगे कि वीट इधर की साइड हमारा था, ठीक है, तो हमेशा आपके दिमाग में बना हुआ रहेगा कि ईस्ट में था, नियर ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट एशिया में। तो ये आपका एक तरीके से ये आंसर हो जाएगा इसका, नियर ईस्ट। देन द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज, मेज का है आपका मेक्सिको, ठीक है, एम फॉर मेज, एम फॉर मेक्सिको। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस, अब देखो जो राइस है, राइस का पता नहीं रहता कि ये कहाँ से ओरिजिन हुई थी, कुछ लोग इसे बोलते हैं कि ये एशिया की है और कुछ बोलते हैं कि ये अफ्रीका की है, लेकिन ए नाम से ही दोनों है ना। अब जो एशिया की है वो है आपका ओराइजा सटाइवा, अगर आप जेनेटिक्स में डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो एशिया की है वो है ओराइजा सटाइवा, और जो आपकी अफ्रीका की है, ठीक है, वो है आपकी ग्लेबेरीमा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है, याद रहेगा आपको, एशिया की ओराइजा सटाइवा और अफ्रीका की है ओराइजा चलो ग्लेबेरीमा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोरगम, इसका आंसर है आपका इथोपिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट रट्टे मारने हैं, और हमारी एक पेज है एग्री एडियो हब करके इंस्टाग्राम पे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर जाके क्लिक कीजिए, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और रिटर्न में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे हर क्रॉप की ओरिजिन प्लेस का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ओरिजिन ऑफ द पर्ल मिलेट। अब देखिए पर्ल मिलेट का ओरिजिन कहाँ से था, तो इसका आंसर है वेस्ट अफ्रीका। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पोटैटो, अब देखो है तो अमेरिका से, लेकिन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली रट्टा मार लीजिए, इसका आंसर है साउथ अमेरिका। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ शुगर कैन इज न्यू गुयाना, क्लियर। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ टोबेको, इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंडीज रीजन। अब ये तो सीधा आपका रट्टा मारना, रट्टा मार लीजिए। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ अपलैंड कॉटन, अपलैंड कॉटन का आंसर है आपका मेक्सिको, ठीक है। अब देखो कॉटन में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, कॉटन में बहुत सारे तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है, कॉटन का पूछा भी जाता है मैक्सिमम टाइम, तो अपलैंड कॉटन का आपका मैक्सिमम, इजिप्शियन कॉटन का इजिप्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका है आंसर पेरू, ठीक है। और द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ देसी कॉटन है आपका इंडिया, देसी कॉटन, देसी अपना इंडिया का ही है, ठीक है। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पीनट, तो इसका आंसर है आपका ब्राज़ील। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पीनट हमारा हो चुका है, देखो पीनट को ही हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड नट बोलते हैं, मंकी नट बोलते हैं, चलो इसका सिनोनिम्स भी आपको याद हो गया है, ग्राउंड नट, मंकी नट वगैरह सब पीनट के नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो चुका है ब्राज़ील। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर आपका देखो जितने भी अमेरिका वाले हैं, ये सेंट्रल अमेरिका जैसे जो भी मेक्सिको है और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इनको आप मोर स्पेसिफिक ज़्यादा अच्छे से याद रखिए, आपके पास नोट्स करना है आप तो सेंट्रल अमेरिका के अलग लिख लीजिए, साउथ अमेरिका के अलग लिख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका के अलग लिख लीजिए, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और आप एक बार इंस्टाग्राम पेज पर जाके ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे डिटेल में, ओके।
तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल अमेरिका। सनफ्लावर का हो गया आपका आंसर सेंट्रल अमेरिका। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ सोयाबीन, अब सोयाबीन है आपका चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, हमारे इंडिया के पास का है। कुछ लोग बिलीव करते थे कि इंडिया में, लेकिन इंडिया का नहीं है ये, सोयाबीन चाइना का है आपका, ठीक है, द आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे हमारा, ये है आपका फिलीपींस में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी फिलीपींस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर IIT ये लोकेटेड है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइजीरिया, ठीक है। देन इंटरनेशनल वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर, आपको सबको पता है सीमिट कहाँ पे है, मेक्सिको में, ठीक है, तो 24 का आंसर हो गया आपका ए मेक्सिको। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर CIAT ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये है आपका कोलंबिया में, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें IIT में और CIAT में, ठीक है, ये ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का इंटरनेशनल सेंटर है और वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। देखो ध्यान रखें, यहाँ पे बहुत बार कन्फ्यूजन होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में और इंटरनेशनल सेंटर में, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट वैसे ही आपका नाइजीरिया में है और इंटरनेशनल सेंटर आपका है वो है कोलंबिया में। कैसे याद रखेंगे, C4 सेंटर, C4 कोलंबिया, इंस्टीट्यूट से नाइजीरिया, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक क्रिसेट आपका हैदराबाद इंडिया में है, तो इसका आंसर तो आपको सबको याद होना ही चाहिए, इसका आंसर है आपका इंडिया। देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया इकार्डा, इकार्डा आपका क्या है सीरिया में, ये अभी डैमेज हो चुका है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल पोटेटो सेंटर, देखो CIP ये कहाँ पे आपका, ये आपका पेरू में, ओके। देन सेंट्रल मतलब इंडिया में कहाँ पे है, इंडिया में है पोटेटो का शिमला में, ओके। देन आपका सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये है आपका कटक में, ये हम सब लिख चुके हैं ना इंस्टाग्राम पेज पे, उसको देख लीजिए आप, पूरा रिटर्न नोट्स आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन इज लोकेटेड इन, इसका है नागपुर में, ठीक है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मुंबई में है, इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो नागपुर में है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको बार बार इन चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट IPGRI कब चालू हुआ था, IPGRI ये हुआ था आपका 1991 में, ठीक है। देन IPGRI कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका रोम इटली में है, ठीक है। काम क्या करता है IPGRI, ये काम करता है आपका, ये कोऑर्डिनेट करता है जर्म प्लाज्म एक्टिविटी को, उनका कलेक्शन, उनका कंजर्वेशन, उनका इवेल्यूशन, कैरेक्टराइजेशन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, पूरी वर्ल्ड लेवल पे। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1991 में, और फंक्शन कब चालू हुआ था, 1994 में फंक्शनिंग चालू हुई थी इसकी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, IPGRI स्टार्टेड फंक्शनिंग, ये हो गया आपका 1994, ये तो हो गया आपका। कंसल्टिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, इसका आंसर है 1972। ये क्या है, एक जॉइंट इफर्ट था, ठीक है, मिला जुला इफर्ट किसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड बैंक का और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, किसका किसका, FAO, वर्ल्ड बैंक एंड UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये इसमें इनके जॉइंट इफर्ट था, ठीक है, ओके। सो ये है आपके 37 क्वेश्चन जो हमने कवर किए हैं क्रॉप बायोडाइवर्सिटी एंड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में। अब इसमें ध्यान ये रखिए कि जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके आपको सबको प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन याद रखना है, उनका सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन याद रखना है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर इस पार्ट से ये पूछा जाएगा तो सीधा उनका कंट्री पूछा जाएगा कि भैया ये कहाँ से आपका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।